हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संगीता के किचन में। आज हम लोग बनाएंगे गोभी के पराठे और मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगी जिससे आपकी गोभी में पानी रिलीज नहीं होगा जब आप उसको स्टफ़ करते हैं। तो उसके लिए हमें जो जो प्रोसेस करनी है वो सब मैं आपको एक के बाद एक बताती जाऊंगी। तो ठीक है, सबसे पहले हमने ली है यहाँ पे गोभी। मैंने करीब आधा फ्लावर लिया है यहाँ पे इस तरह से, और इसको सुबह ही मैंने पूरा धो के अच्छे से रख दिया था। ठीक है, तो अब हम लोग एक ये मैनुअल चॉपर है मेरे पास में, इसी में हम लोग इसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये चॉपर था तो मैं इसी में सारे गोभी जितने भी हैं हमारे उनको चॉप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपनी सारी गोभी को इस तरह से मैनुअल चॉपर में चॉप कर लिया है। ठीक है, आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं छोटे वाले बारीक वाले सेशन से। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें सबसे पहले काम करेंगे कि इसमें थोड़ा सा नमक डाल के हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें नमक डाल दिया है और ये प्रोसेस आप लोग ज़रूर से करना, स्किप मत करना। इससे क्या होगा ना कि आप जब बाइंड करेंगे अपनी गोभी को पराठे के अंदर तो उससे पानी रिलीज नहीं होगा, तो आपकी स्टफिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से इसमें नमक डाल के हम लोग इसको ना करीब 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि ये जितना भी गोभी को पानी रिलीज करना है ना वो इसी समय कर देगी, बाद में हमें वो डर नहीं रहेगा कि अभी भरते समय हमारे पराठे फटेंगे या नहीं फटेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे, फिर तब तक हम लोग आगे की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी गोभी हमने साइड में रख दी है, उसका पानी रिलीज़ हो रहा है, तब तक हम लोग आटा लगा के तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी आटा लिया है, गेहूं का आटा है, उसमें मैं इसमें आधा चम्मच नमक डालूंगी। बस इससे ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने गोभी में भी नमक डाला हुआ है और अभी बाद में भी मसालों के साथ हमारा थोड़ा सा नमक जाएगा। अब हम लोग इसका एक अच्छा सा डो बना के तैयार करेंगे, बिल्कुल अपना रोटी और पराठे जैसा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आटा आप लगा के रेडी कर लीजिए। ये देखिए, ना ज़्यादा कड़क है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। इस तरह से आटा लगा के अब हम लोग इसको रेस्ट के लिए रखेंगे, तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी करेंगे। तो अभी ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गया है और हमारी गोभी ने ना पानी अच्छे से रिलीज़ कर दिया है, देख रहे हैं आप, ये देखिए। ठीक है, तो अब हम लोग एक ऐसे मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, इसको एक बाउल के अंदर रखा है, इसमें हम लोग अपनी थोड़ी थोड़ी करके गोभी डालेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ इसका पानी कैसे निकालना है। ये देखिए, देख रहे हैं हम कितना सारा पानी था इसके अंदर, ये देखिए। यही रीजन होता है हमारा कि अगर हम लोग ये वाला स्टेज स्किप कर देंगे ना, गोभी में नमक डाल के रखने वाला, तो फिर हमारे पराठे फट भी जाते हैं, दूसरा गोभी भरते समय पानी अपना रिलीज कर देती है। इसकी वजह से कई लोगों की कंप्लेंस रहती है कि उनके गोभी के पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। देख रहे हैं इतनी सी गोभी में कितना पानी निकला है। तो इसी तरह से हम लोग अपनी सारी गोभी का पानी इस तरह से निकाल के और फिर उसको रेडी करेंगे। तो अभी ये देखिए फ्रेंड्स, गोभी कितनी अच्छे से रेडी हो गई है हमारी, ये देखें, देख रहे हैं। इसका सारा पानी मैंने इसी तरह से निचोड़ के अच्छे से और निकाल दिया है। अब हम लोग इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5-6 हरी मिर्ची ली थी जिनको मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे आधा टुकड़ा अदरक का लिया था, उसको भी ग्रेट कर लिया है। उसी के साथ यहाँ पे खूब सारा हरा धनिया,
अब हम लोग इसमें कुछ अपने मसाले डालेंगे, जिसमें थोड़ी सी मैं डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने इसमें अच्छे से डाली है। उसके साथ में दो चम्मच सूखा धनिया, थोड़ा सा जीरा, और नमक हम लोग एकदम लास्ट में इसमें मिलाएंगे, ताकि इसको इसमें अगर थोड़ा बहुत भी गुंजाइश हो ना पानी निकलने की, तो वो ना निकले। ठीक है जी, अभी हम लोग इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस करने वाले हैं, ये आप स्किप ना करें बिल्कुल भी। तो आइए देखते हैं आगे क्या करना है। तो अभी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है इस तरह का, उसमें मैंने इसमें एक चम्मच बड़ा वाला, एक चम्मच भर के थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें। अब जब ये ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तब इसमें हम लोग थोड़े से अपने स्पाइसेस मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ये ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा जीरा, और जब तक ये क्रैकल होगा इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन आप ज़रूर से डालिएगा, इससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है गोभी के पराठों का। जैसे ही ये थोड़ा सा अच्छे से भुन जाएगी ना हमारी अजवाइन और जीरा, उसके बाद हम लोग, हमने जो ये अपना गोभी का मसाला बना के रेडी किया था वो डालेंगे। तो अभी ये देखिए, जीरा और अजवाइन अच्छे से भुन गया है। अब हम लोग इसमें बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे, इससे ना इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और अब हमने जो ये गोभी का मसाला तैयार किया था ये डालेंगे, और गैस को एकदम स्लो पे रखिएगा। आप लोग एक बार इस तरह से पराठे बना के जरूर से ट्राई करिएगा, आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत अच्छे बनके तैयार होंगे। इसके साथ ही मैं इसमें करीब एक चम्मच भर के चाट मसाला डालूंगी। चाट मसाला मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा ना टेस्ट इसका और अच्छा हो जाए। तो आप इसमें नमक टेस्ट करके ही डालिएगा, अगर ज़रूरत लगे तो ही आप डालना, अदरवाइज़ नमक को स्किप कर देना, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है ना इसलिए। और बस इसको हमें 2 सेकंड के लिए इसको ऐसे ही बस भूनना है, ताकि अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा भी हो तो वो भी चला जाए, लेकिन हमें इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इसी तरह से 2 सेकंड के लिए इसी पैन में छोड़ना है, ताकि गोभी हमारी क्रंची भी रहे, सौगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा हो ना गोभी में वो भी उड़ जाए। ये देखिए इस तरह से, अब बस हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा मिक्सचर ये देखिए बिल्कुल रेडी है, और आप बिलीव नहीं करोगे इसमें से इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। आप लोग एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा ये आपको कैसा लगा। अब हम लोग, जब हमारा मिक्सचर ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे। फ्रेंड्स, गोभी के पराठे में ना हींग और अजवाइन का तड़का ज़रूर से लगाना चाहिए, और हींग मैं कच्चा ही डाल रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग पराठों को सेकेंगे ना तो ये अच्छे से सिक जाएगा। इसको हम कर लेंगे मिक्स। आप लोग नमक एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, मैंने नमक नहीं डाला है, क्योंकि हमने पहले गोभी में नमक डाला था, उसके बाद फिर हमने चाट मसाला डाला है, तो मुझे ये नमक इसमें परफेक्ट लग रहा है। आप लोग एक बार चेक करके अगर आपको ज़रूरत हो तो नमक डालिएगा। अब यहाँ पे हमारा आटा, ये देखिए, बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब हम लोग इसका पराठा बनाना शुरू करते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया आटा। और हाँ, हमने आटे में भी नमक डाला था ना,
तो इसलिए नमक आप लोग अपने हिसाब से चेक करके कम ज़्यादा करिएगा। तो यहाँ पे मैं ये 2 लोई का आटा ले रही हूँ। पराठे छोटे बड़े आप अपने हिसाब से जिस तरह के आपको पसंद है आप बना लीजिए। मैं थोड़े बड़े बड़े बनाती हूँ इसलिए मैंने लोइयाँ भी थोड़ी बड़ी बड़ी ली हैं। ये देखिए इस तरह से, साथ ही मैंने यहाँ पे पैन अपना तवा चढ़ा दिया है ताकि, और एकदम स्लो मीडियम पे, ताकि वो गर्म हो जाए जब तक कि हम लोग अपने ये पराठे बेल के रेडी करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और इस तरह से अंगूठे को बीच में दबा के लोइयों को बड़ा करेंगे इस तरह से, जिस तरह से मोमोज वगैरह हम लोग स्टफ करते हैं ना, बिल्कुल वही प्रोसेस है। ये देखिए इस तरह से, और हम स्टफिंग इसमें अच्छे से भर के, स्टफिंग में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें फ्रेंड्स, अच्छे से भरिएगा तभी इन पराठों का मज़ा आएगा। और इस तरह से इनको दबाते दबाते हम लोग, ये देखिए जैसे कचौड़ियाँ बनाते हैं ना हम लोग, बिल्कुल उसी तरह से हमको इसको बंद करना है। ये देखिए ये देखिए, ठीक है, इसी तरह हम लोग अपनी ये दूसरी भी भर के रेडी कर लेंगे। चलिए अब हम लोग इनको बेल के तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से अब हमने अपनी पराठों की लोइयाँ तैयार कर ली हैं। अब हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे थोड़ा, उसके बाद ना आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा हाथ से इस तरह से बड़ा कर लीजिए, उसके बाद हम इसे बेलेंगे। बिल्कुल जोर नहीं लगाना है, आराम से बिल्कुल बेलिएगा बीच से शुरू करके किनारे तक। ये देखिए इस तरह से हम लोग इसको बेलेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपने अभी दोनों पराठे बेल के रेडी करके रख लेते हैं। साथ में मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है मीडियम लो पे, ठीक है। तो आइए दूसरी रोटी भी इसी तरह से हम लोग बना के रेडी करते हैं। तो अभी फ्रेंड्स मैंने ये अपने दोनों पराठे, ये देखिए बढ़िया से एकदम बेल के रेडी कर लिए हैं। ये देखिए तो अब हम लोग, तवा हमारा गर्म है, इसके ऊपर ये पराठा डाल देंगे। अब हम लोग गैस को अपनी मीडियम पे रखेंगे। जैसे ही पराठा हमारा एक तरफ सिकेगा तब हम इसको पलट के दूसरी तरफ से सेकेंगे। अभी ये पराठा हमारा एक तरफ से, ये देखिए सिक गया है अच्छे से। तो अब इसको पलट लेंगे, पलट के आप घी से या तेल से जैसे भी हो आप इसको सेक लें इस तरह से। इस तरह अच्छे से हम लोग इसमें घी या तेल लगा के अच्छे से इसको सेकेंगे दोनों साइड से। ये देखो फ्रेंड्स, ना तो हमारे पराठे फट रहे हैं और ना ही इसमें गोभी ने पानी रिलीज़ किया है। तो आप लोग इस तरह से एक बार ज़रूर से इसको ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आप इसको सेक के रेडी कर लीजिए। इसी तरह से हम लोग अपना दूसरा पराठा भी सेक के रेडी करेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे गोभी के पराठे बनके बिल्कुल रेडी हैं। ढाबा स्टाइल पराठे बने हैं, ये उतने ही स्वादिष्ट बने हैं और इनको बनाने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है। तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, आप उनके साथ इसको बनाइए और इसमें आपको बनाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने इन पराठों को ये दही वाली मिर्ची के साथ सर्व किया है। आप इनको अपनी पसंद की चीज़ के साथ में खाइए और इन्जॉय करिए। तो जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपका मन करे तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।